हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। यहां पर ए क्या है, ए साइड ऑफ द क्यूब है जिसे हम एज भी बोलते हैं, और आर क्या होगा, आर रेडियस ऑफ स्क्वायर है। कैसे होगा रिलेशन, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का डिस्कशन होगा सिंपल क्यूबिक के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स पर होंगे, यानी यहां पर हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो कॉर्नर्स के एटम को लेकर करते हैं। दूसरी बात, आप ये भी जानते हैं कि सॉलिड में एटम्स जो रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर एक दूसरे को टच करके रखे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में आपको क्यूब बनाना आना चाहिए, तो क्यूब आप बना लीजिए। अब इस क्यूब में बच्चों हम ये देख रहे हैं कि ये कॉर्नर्स के एटम हैं, कॉर्नर्स के एटम हैं बच्चों, यहां पर सारे आठ कॉर्नर्स के एटम हैं। अब हम कोई भी दो कॉर्नर्स के एटम को मैं स्फीयर रख रहे हैं, तो एक इस कॉर्नर के एटम पर मैंने एक स्फीयर रख दिया ये कुछ ऐसे, और इसी से टच करता हुआ बच्चों एक दूसरा स्फीयर मैंने यहां पर रखा है ऐसे। तो ये दोनों स्फीयर बच्चों आप देखिए कॉर्नर्स के एटम को टच करते हुए रखे गए हैं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये रेडियस हो गया आर स्फीयर का, और ये भी क्या हो गया, रेडियस आर। बच्चों अब ये पूरा हो गया साइड ऑफ द क्यूब ए। तो अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, अगर आप इस डायग्राम को बच्चों देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो ए है वो आर और आर के बराबर है, यानी कि डायग्राम के हिसाब से आप देख रहे हैं तो आर प्लस आर जो है ये ए के बराबर हुआ, या आप कह सकते हैं कि टू आर बराबर क्या हो गया ए। तो ये एक रिलेशन आया, इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, टू का मल्टीप्लाई कर दे तो 4r बराबर 2a करके भी याद कर सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में रेडियस और इस जो आपका a यानी कि साइड ऑफ द क्यूब है उसके बीच जो आपका रिलेशन आया वो है 4r बराबर 2a, या सिंपली 2r बराबर a भी बोल सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब में। तो अगला हमारा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या बॉडी सेंटर्ड क्यूब में देखते हैं कि ए और आर में किस प्रकार का रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बॉडी सेंटर में दो तरह के एटम होते हैं, कॉर्नर्स के एटम तो लाजमी है, वो तो होने ही होने हैं, और साथ में एक सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी हम एटम रखेंगे। यहां जो कैलकुलेशन होगा वो सेंटर ऑफ द बॉडी एटम को लेकर होगा, और साथ में ये भी आप समझ रहे हैं कि हम उससे अटैच्ड एटम रखें, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जब भी स्फीयर को रखा जाता है तो एक दूसरे से टच करके ही रखा जाता है। तो आइए चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग पहले। तो यहां पर हमने एक क्यूब बना रहे हैं बच्चों। तो क्यूब में आप देखेंगे कि हमको जो एटम रखना है वो सेंटर ऑफ द बॉडी पर रखना है। तो मान ले रहा हूं कि सेंटर ऑफ द बॉडी पर आपका ये एटम है, ठीक है बच्चों। अब इसी से अटैच एक एटम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैं रख रहा हूं, तो एक एटम इससे ये जुड़ गया और एक एटम ये जुड़ गया। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी लाइन होगी ये आपका आर हो गया, ये आपका 2r है और ये आपका r है। तो ये पूरी जो लाइन है बच्चों ये कितने के बराबर हो गई, 4r। अब हम यहां पर एक लाइन और ड्रा करेंगे और इसका नाम मैं दूंगा b। इसका नाम क्या दे रहा हूं मैं, b। बच्चों ये क्यूब है, क्यूब में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो यहां पर ये वाला साइड a होगा, ये वाला साइड a होगा, इसको भी आप ए मान सकते हैं।
अब आइए इसका कुछ नामकरण कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो चलिए नाम रखते हैं, यहां से रखना शुरू कर रहा हूं मैं। तो ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया, इधर सी रख दे रहा हूं और इधर डी रख दे रहा हूं। तो पहला जो मैं ट्रायंगल आपके साथ शेयर कर रहा हूं या ले रहा हूं, वो मैं ट्रायंगल ये वाला ले रहा हूं। यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल वन, और इसको आप बात करेंगे तो ट्रायंगल में बी सी डी लिख दूंगा। बी सी डी में आप देखें ये दोनों साइड तो सेम है, ये वाली साइड की मैं बात कर रहा हूं और ये दोनों साइड की। अब ये क्यूब के अंदर है, तो क्यूब के अंदर है तो आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनियस होगी बच्चों ये साइड होगी जो आपने ड्रॉ की है बी, तो यहां से आप निकालेंगे तो बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर आपका टोटल कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये चीज आपने देख ली है। अब अगर हम इस ट्रायंगल में ले लें, ये ट्रायंगल में किसकी बात कर रहा हूं, ट्रायंगल नंबर यहां पर बात कर रहा हूं 2 की। तो अगर आप ट्रायंगल 1 में लिए थे, ये ट्रायंगल 1 की था, अब आप ट्रायंगल नंबर 2 पर जा रहे हैं बच्चों। ट्रायंगल 2 का नाम क्या है, ट्रायंगल 2 का नाम है ए बी और डी। तो इसका नाम आप लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी और डी में। तो ये जो पूरी साइड हुई बच्चों, ये वाली साइड की मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा जो है डार्केन कर दे रहा हूं। तो ये पूरी साइड बच्चों आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगी, ये आपकी है 4r। देखिए यहां से r, यहां से 2r और इधर भी है r, तो ये पूरी साइड यहां से कितनी होगी 4r। तो यहां पर भी वही फार्मूला लगा रहे हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पूरी साइड बच्चों कितनी है देखें, ये r है, ये 2r है और यहां पर भी r है, तो टोटल ये कितनी हो गई 4r का होल स्क्वायर। और बेस का है, बेस को मैं बी स्क्वायर मान ले रहा हूं, बी स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा और साथ में परपेंडिकुलर मैं a मान ले रहा हूं। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो ये 2a स्क्वायर है और साथ में a स्क्वायर, 2a स्क्वायर यहां से आए ऊपर से, तो आप देखेंगे कि 4r का होल स्क्वायर बराबर आएगा 3a स्क्वायर। अब इसको जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, जब आप स्क्वायर रूट ले लें, तब आप स्क्वायर रूट लेने के बाद देखेंगे कि 4r बराबर आपका जो रिलेशन आएगा वो है a रूट 3। तो BCC में जो रिलेशन आया आपका रेडियस ऑफ स्फीयर और साइड ऑफ द क्यूब में, वो फार्मूला बना आपका 4r बराबर a रूट 3। यहां पर आप रूट 3 की वैल्यू भी याद रखें क्योंकि रूट 3 की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो 1.73 आपके मतलब की है, याद रख लें यहां पर। तो अब आपने देखा कि किस तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमारा जो कैलकुलेशन हुआ और उस कैलकुलेशन के फलस्वरूप जो रिजल्ट आया वो a और r में रिलेशन आया 4r बराबर a रूट 3, और साथ में आपने देखा कि सिंपल क्यूबिक में 4r बराबर 2a। तो प्यारे बच्चों आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक में a और r के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो लिख लें आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको आप शॉर्ट में FCC भी लिख सकते हैं। बच्चों ये तो आपको पता है कि यहां पर जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो फेस के एटम को लेके करेंगे। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, एक यूनिट सेल बनाएंगे। जी सर। और यहां पर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं फेस के एटम को। तो आप मान लीजिए कि यहां पर 6 फेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, 4 ये हो गए और 2 ये। तो मैं इस फेस के एटम को लेके कैलकुलेशन चाह रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक रख दिया स्पेयर, अब इसी से अटैच होते हुए एक स्पेयर ये हो गया बच्चों, और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा स्पेयर ये हो गया। अब आप इस पूरी साइड को जब देखेंगे मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2r, ये हो गया r और ये r। ये साइड ऑफ द क्यूब है, तो साइड ऑफ द क्यूब हमेशा क्या लिखेंगे, a और a। मैं देख रहा हूं इस ट्रायंगल को, मैं देख रहा हूं
इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल में आप बच्चों देखें कि ये साइड ऑफ द क्यूब ए हो गया, ये ए हो गया और ये आर। आप चाहें तो इसका कुछ नाम भी रख दें, नाम रखते रहे बच्चों ए बी और सी। कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो ट्रायंगल ले लिया आपने ए बी सी को, इसमें ये जो हुआ आपका फोर आर टोटल, इसको मैं हाइपोटेनियस मान रहा हूं। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बच्चों ये दोनों साइड इक्वल है तो हाइपोटेनियस तो नहीं हो सकती। हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका फोर आर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो गया टू ए स्क्वायर। तो फोर आर का होल स्क्वायर बराबर टू ए स्क्वायर हो गया। अब यहां से स्क्वायर रूट जब आप ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट जब आप लेंगे बच्चों, तो आपका आ जाएगा फोर आर बराबर ए रूट टू। ये रिलेशन हुआ आपका ए और आर के दरमियान। यहां पर आप रूट टू की वैल्यू जरूर याद रखें, रूट टू की वैल्यू होती 1.414। तो बच्चों हमने डिस्कस किया रिलेशन ए और आर के बीच में, ए और आर में क्या रिलेशन होता है हमने देखा सिंपल क्यूबिक में कि 4r बराबर 2a है, BCC में 4r बराबर a रूट 3 है और FCC में 4r बराबर a रूट 2 है। बच्चों इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है, IIT में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसका आना चाहिए फार्मूला। फार्मूला आपने याद कर लिया 4r बराबर 2a, 4r बराबर a रूट 3 और 4r बराबर a रूट 2। तो देखिए बच्चों याद रखेंगे कि ये जो फार्मूला है मेरा, इसमें आप ध्यान देंगे कि ये जो फार्मूला है पहला वाला सिंपल क्यूबिक में, दूसरा 4r बराबर a रूट 2 ये है BCC में, और 4r बराबर a रूट 2 जो है बच्चों ये थर्ड वाला, 4r बराबर a रूट 3 ये है BCC में, और 4r इज इक्वल टू a रूट 2 है ये आपका FCC में। तो फार्मूला आप याद कर लें, फार्मूले से फिर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपको, अगर a देगा, ए अगर गिवन है तो बच्चों आपसे पूछ लेगा आर क्या होगा, या आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, आर दे करके ए भी पूछ सकता है। तो इससे आसान क्वेश्चन, इसमें नो नीड टू कन्वर्ट यूनिट, कन्वर्ट यूनिट करने की जरूरत भी नहीं है। प्यारे बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे इसकी अपडेट इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।